भी रस नहीं है। किसी तरीके से गीता हमने पास किया अपने यहाँ से राजगढ़ से, और पास होने के बाद हम फैजाबाद आए। घर की ये स्थिति नहीं थी कि हमको 3,000 रुपये 4,000 रुपये 2,000 रुपये दे सके। 2009 से 2008 में इंटर किया था, 2009 में हम यहाँ आए हैं फैजाबाद में। तब हम दो बच्चों को कपड़े पढ़ाने लिए, और ये दो बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ा दिए, हमको 2 घंटा पढ़ाते थे 3,000 4,000 मिल जा रहा था। ये करते करते मेरा नसीब हो गया। 2013 हमने एमएससी कर लिया। एमएससी करने के बाद फिर समझ नहीं अब क्या किया जाए। वैकेंसी एमएससी से बहुत कम आती है, पीजीटी के 200 400 300 उसमें ज्यादा जुगाड़ करता है। फिर हमारे गुरु जी मिले हमको, कह के आई टी आई कर लो, और फ्रेंड भी हमारे थे सब लोगों पायलट वगैरह, तो हमने आई टी आई कर लिया। 2016 हमारा आई टी आई कम्प्लीट हो गया, 2014 16 और 17 में मैं भैयाबाद में बताया कि सबसे बेहतरीन कोचिंग जो है पटना में चलती है प्लेटफार्म में, मैं वहां चला गया। लेकिन मुझे टेक्निकल नहीं समझ में आता था, कारण ये था कि टेक्निकल को कुछ फर्क नहीं आता था, वो रटवाते थे। टेक्निकल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ लिए तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा, और परीक्षा में ये नहीं हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वहां में 6 से 7 महीने था, नाटक थोड़ा सा पढ़ा हुआ, वहां से पढ़ने के बाद मैं सीधा चला आया इलाहाबाद। सर को हमारे गांव में 2-3 बच्चे पढ़ रहे थे सर के पास, उन्होंने बताया कि पहले बताया नहीं थे गांव की टीचर्स थी उस बच्चे के अंदर, बताया नहीं कि अच्छा सर पढ़ाते हैं, साथ में नहीं जाता वहाँ यही आता। मैं चला गया वहाँ, फिर मुझे पता चला कि इलाहाबाद चलते हैं। आए फिर अपने से फिर पहुंचे हैं, एक हमारे गाँव का लड़का था वो हमको लिवा गया है पहले तो और भी यहाँ भी आए सब थे नहीं, तो उन्होंने बताया कि सर आएंगे तो बढ़िया पाया जाएगा। लेकिन बाद में समझ आया कि पैसे को कमा लेते थे, 20,000 25,000 पाया तो देगा, लेकिन समझ आया कि पैसा बचता नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए जो कि हर महीने मिलता है, इसमें 6 महीना कमा के 6 महीने नहीं मिलता था। तो 30-35,000 लेकर के चले गए, और हमारे मित्रों ने कहा ज्यादा पैसा कितना चाहिए, 5-6 महीना रहोगे 5-5,000 हम दे देंगे। हाँ वास्तव में तो 3-4 महीने में लगता सर आपके पास 4 महीने पड़े होंगे, 4 महीने सर के पास पड़े वही मेरा काम बन गया। 2007 टकराया था मेरा यूपीपीसीएल, वही भी टकराया, लेकिन मेरा इच्छा नहीं था यूपीपीसीएल जाने के लिए, और वहां पढ़ते थे ये नहीं कि था हमारे अंदर कि हम कंपटीशन कैसे पास हो जाए, ये मेरे मन नहीं रहता था, हमको ये रहता था कि कितना नॉलेज हमको हो जाए। सर से भी क्वेश्चन पूछते थे, बाहर भी पूछते थे, अंदर भी पूछ लेते थे। अच्छा क्योंकि हम बाहर ही पूछते थे क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज की जरूरी है, नॉलेज आपको होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज नाटक भी आपका उतना ही बढ़िया होना चाहिए। जैसे मैथ ये जो है गेन करने वाले सब्जेक्ट है, आपको मैथ रीजनिंग इनको अलग कर देंगे बेकार हो जाएंगे, मेरे यहाँ काम करेंगे, इस कारण से वो भी 2003 में अलग कर दिए। छोटे वाले चाचा मेरे साथ थे, उन्होंने हमारे पालन पोषण किया, पिताजी साथ में थे, इसी तरह से सिलेक्शन मुझे मिला। लेकिन ये था कि मुझे ये था मेरे मन में निश्चित तौर से था, मैं मात्र 1.5 साल तैयारी किया हूँ, मात्र 1.5 साल 2018 से स्टार्टिंग किया हूँ और 2019 तक अपना काम कर लिया हूँ, ये रिकॉर्ड काफी तैयार नहीं किया हूँ। 6 महीना पटना था लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला था, लाभ मुझे टेक्निकल का यही मिला, जो मिला है सर से ही मिला, क्योंकि वहां प्लेटफॉर्म पे आप लोग लिए होंगे जरूर, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो आधा गलत अभी मिलेगा आपको, हाँ इसके जहाँ सर पढ़ाते आधा गलत आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए सर का जो पढ़ाया नोट है वो आप पढ़िए, अगर सर का पढ़ाया नोट अगर आप तैयार कर लिए तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्योंकि पिछले मेरा 154 से 158 नंबर तक था सिंगल का ऊपर का 10 पेपर सर, लेकिन कंप्यूटर मुझे नहीं आता था, एक्चुअली हमारा ध्यान भी उसको नहीं जाता था, हमारा ध्यान यही था कि हमें लोको पायलट बनना है, ये पूरी तरह ध्यान था। सर भी बताते नहीं, ये भी सर हमारा वो हेल्प करते थे, बाद में टोकते थे नहीं बालक पढ़ो, लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं मुझे लोको पायलट ही बनना है, तो इसलिए हम वही बने। लेकिन लास्ट में हमने थोड़ा सा प्रिफरेंस चेंज किया तो हमें टेक्निशियन मिल गया, फिर हम जनरल में क्वालिफाई हैं, हमारे यहाँ 66 जनरल में मेरिट है, हमारे 71 नंबर था, और 55 जो है ओबीसी था टेक्निशियन था, कौन से बोर्ड में गुवाहाटी बोर्ड था।